हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नए एडमिशन्स की जानकारी लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सपना है एक बैचलर डिग्री करने का, या आप एक अच्छा रिसर्चर बनना चाहते हैं, या आप डी फार्मा या बी फार्मा करना चाहते हैं, या आपकी चाहत है एक टेक्निकल कोर्स करने की, या फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, या आपकी इच्छा है किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने की, तो दोस्तों इन सारे प्रश्नों से जुड़े आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और आपके इन सारे सपने साकार हो जाएंगे अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद की, जहाँ पर आप एडमिशन लेके अपने सुनहरे सपनों को साकार कर सकते हैं। वीडियो में चलने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको इस वीडियो की पीडीएफ और ऑफिशियल पीडीएफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की भी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी इच्छा बीटीसी या डीएलएड करने की है, या उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं जिसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपकी इच्छा है इन बीटीसी या डीएलएड में एडमिशन लेने की, तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डीएलएड और बीटीसी के बारे में फुल जानकारी दी है और जिसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी भी चल रहे हैं, आप उन्हें भर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैज़ाबाद की, जहाँ पर एडमिशन्स की जो रजिस्ट्रेशन है उनकी डेट आ गई है और इम्पॉर्टेंट डेट आ गई है, जिनको आप देख सकते हैं। जो इसकी डेट है वो 4/6/2021 है। इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो दोस्तों है वो 4/6/2021 है, और जो इसकी दोस्तों लास्ट डेट है वो आपकी लास्ट डेट है 15/7/2021। दोस्तों यूजी और पीजी दोनों की जो लास्ट डेट है वो 15/7/2021 है, इसमें अलग से कोई डेट नहीं दी गई यूजी और पीजी के लिए। लेकिन अगर आप अपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए और जाके तुरंत इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। दोस्तों, इसमें जो बताया गया है कि डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम और काउंसलिंग जो है, इसकी डेट आपको अभी नहीं बताई गई है। इसकी डेट आपको रेगुलर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की, उस पर आप रेगुलर विजिट करते रहिए और वहाँ पर इसकी डेट अनाउंस की जाएगी, जिस पे आपको पता चल जाएगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है, आपकी उसका रिजल्ट कब आएगा और उसकी काउंसलिंग डेट कब है। तो दोस्तों, आप अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं जानते, तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके आप रेगुलर विजिट कर सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को। दोस्तों, जो इसमें फ़ीस रखी गई है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो रखी गई है, वो जनरल और ओबीसी के लिए दोस्तों 1000 है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जो हमारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है और ओबीसी है और जनरल है, उसके लिए 1000 फीस है रजिस्ट्रेशन की, और जो हमारे शेड्यूल एस सी एस टी के छात्र हैं उनके लिए 500 फीस रखी गई है। दोस्तों, आप ये जो फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सिर्फ अप्लाई होंगे, बाकी आप ऑफलाइन इस फीस को नहीं जमा कर पाएंगे, ना तो आप चालान के थ्रू आप इस फीस को जमा कर पाएंगे। दोस्तों, आप इस फीस को सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें कितने कोर्सेस हैं और आप कौन कौन सी डिग्री करना चाहते हैं, या आप जिससे संबंधित डिग्री करना चाहते हैं वो आपके लिए कोर्स है या नहीं है, तो दोस्तों इन कोर्सेस की बात करेंगे। दोस्तों, इन्होंने दो कैटेगरी में अपने कोर्सेस को डिवाइड किया है। एक इनकी कैटेगरी है, दोस्तों इन्होंने दो कैटेगरी में अपने कोर्सेज़ को डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है इनकी कैटेगरी ए, एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आपको जो कैटेगरी ए के जितने भी कोर्सेस हैं इनमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों, जो कैटेगरी ए के हमारे कोर्सेस हैं वो हम आपको बता देते हैं। आपका कोर्स है बैचलर इन फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ सोशल वर्क्स, बैचलर इन जेनोलॉजी। अगर आप दोस्तों इनमें कोर्स करेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा और भी अन्य कोर्सेज हैं जिनमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। एम ए इन इकोनॉमिक्स, अगर आप एम ए करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में एंड रूरल डेवलपमेंट में, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एम ए इन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ेगी। ये हमारे दोस्तों पीजी के कोर्सेज हैं। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स हैं, जैसे कि अंडर सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो हैं दोस्तों हमारे,
उनमें आपका एमए इन हिंदी, एमए इन इंग्लिश, एमए इन सिंधी, आप अगर अप्लाइड साइकोलॉजी में या जैनोलॉजी में या फिलोसफी एंड रिलीजन में, इंटरनेशनल रिलेशन में, स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में, या दोस्तों आप एमए इन सोशोलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट्स, अगर आप मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग्स, मास्टर ऑफ योगा थेरेपी, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग्स आर्ट, या एमए मास्टर इन गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसी। दोस्तों अगर आप इनमें करेंगे, ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं, इनमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं जो आपके आर्ट्स से संबंधित हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी इच्छा है एलएलएम या बैचलर एलएलबी करने की, तो दोस्तों आप यहाँ से एलएलएम भी कर सकते हैं, एलएलएम भी कोर्स है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बैचलर 3 ईयर्स का कोर्स है और बैचलर 5 ईयर्स का कोर्स है एलएलएम और एलएलबी का। अगर आप एलएलएम करेंगे तो 2 ईयर्स का है, और दोस्तों अगर आप एलएलबी करेंगे तो ये 3 वर्ष और 5 वर्ष, दो तरह के इसमें पॉइंट हैं जिनमें आप कर सकते हैं। आप 3 वर्ष वाला भी कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आपकी इच्छा है आफ्टर 12th तो आप 5 ईयर्स का एग्ज़ाम देके और 5 ईयर्स का आप कर सकते हैं एलएलबी। दोस्तों इसके अलावा इनके कुछ इंपॉर्टेंट डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे कि दोस्तों आपका एक डिप्लोमा है इसमें डिप्लोमा इन VLCI डिज़ाइन, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, दोस्तों ये ओनली फॉर फीमेल्स है। इसके अलावा है डिप्लोमा इन एरोमा टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन योगा एंड ऑप्शनल थेरेपी, डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़। इसके अलावा दोस्तों पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट है, पीजी डिप्लोमा इन डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन है, पीजी डिप्लोमा इन आर्ट एंड एजुकेशन है, डिप्लोमा इन जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, अवधि है, भोजपुरी है। अगर आप दोस्तों इनमें डिप्लोमा करना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इनमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें दोस्तों आप वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सर्टिफिकेट्स कोर्स की, तो इसमें गृह संस्कार है, कोरियन लैंग्वेज आप सीख सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स है, कोरियन कल्चर आप सीख सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के थ्रू, इंडो कोरियन सोशल एंड कल्चर रिलेशनशिप आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, आर्ट अप्रिसिएशन आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके जो साइंस फैकल्टी है, वहाँ पे साइंस फैकल्टी में आप दो तरह के कोर्स कंडक्ट कराए जाते हैं। एक तो दोस्तों है BSc, अगर आपकी दोस्तों साइंस में BSc करने की इच्छा है तो आप फिजिक्स से BSc कर सकते हैं, मैथ है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इन सारे सब्जेक्ट से आप दोस्तों BSc कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बायो से इंटरेस्टेड हैं दोस्तों करने के लिए BSc, तो आप माइक्रोबायोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस, इसके अलावा दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी से आप BSc कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप BCA करना चाहते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी कोर्स यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप साइंस में PG कोर्सेज करना चाहते हैं जो आपके रेगुलर कोर्सेज हैं, उसमें आप MSc इन मैथमेटिक्स है, MSc इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, MSc इन माइक्रोबायोलॉजी है, MSc इन बायोकेमिस्ट्री है, MSc इन एनवायरमेंटल साइंस है, दोस्तों आप यहाँ पे मास्टर डिग्री कर सकते हैं जो रेगुलर हैं आपके MSc वहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं कुछ साइंस के, जैसे कि MSc इन बायोटेक्नोलॉजी है, MSc इन जियोलॉजी है, MSc इन ज्योग्राफी है एंड MSc इन जियो फिजिक्स में। दोस्तों यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं जहाँ पे आप इन्हें करके आप अपने सुनहरे भविष्य की कामना कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं तो कॉमर्स फैकल्टीज़ के भी कोर्स चलाए जाते हैं, इसमें आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स है। दोस्तों ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं और ये UG कोर्स हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप MBA करना चाहते हैं, या फिर आप MBA एग्रीकल्चर बिजनेस करना चाहते हैं, या MBA इन हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या MBA इन टूरिज्म मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अदर
कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं यूजी एंड पीजी। अगर दोस्तों आपकी इच्छा है बैचलर ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन करने की तो ये भी आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है मास्टर ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन करने की तो ये भी वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी इच्छा है मास्टर ऑफ़ एजुकेशन में एक अच्छा भविष्य बनाने की तो वहाँ से आप ये दोस्तों कोर्स कर सकते हैं। ये भी आप वहाँ पर प्रोफेशनल यूजी और पीजी कोर्सेज कंडक्ट कराए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो न्यू कोर्सेज हैं वहाँ पे आप जो अभी नए कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं वो दो कोर्स हमारे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी। अगर आप बैचलर डिग्री फार्मेसी में करना चाहते हैं तब भी आप वहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो उनकी कैटेगरी बी है डायरेक्ट एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट्स के लिए, वो इसमें दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन लिए जाएंगे। इसमें आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है। उसमें आपके यूजी कोर्सेज में है आप बीटेक कर सकते हैं, बीटेक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों आप ये कोर्स कर सकते हैं। बीटेक अगर आप दोस्तों इंटरेस्टेड हैं बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज कोई भी करने के लिए, इसमें दोस्तों आपको डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आप इतने कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इस कोर्सेज के बारे में तो आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पे जाके इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग में पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी मिल जाएगी, एमटेक इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी कोर्स वहाँ पे है, एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी आपको मिल जाएगा, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी वहाँ पर दोस्तों आपके लिए है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है। और जितने ये दोस्तों जो कोर्सेज हैं इसमें उन्होंने एक स्पेशल मेंशन किया है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है, ये कोर्सेज जो हैं एमटेक कोर्सेज आर अवेलेबल इन पार्ट टाइम एज वेल एज फुल टाइम। अगर दोस्तों आप पार्ट टाइम इन्हें करना चाहते हैं तो आपको पार्ट टाइम में भी ये कर सकते हैं, या आप फुल टाइम में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों आप ये फुल टाइम कोर्सेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इनके अन्य भी कोर्सेज वहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं, तो आप अगर कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए और वहाँ से कोर्सेज की जानकारी दीजिए। दोस्तों ये मैंने जो वीडियो बनाया है ये उनके पीडीएफ के आधार पे मैंने बनाया है, बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए, और वहाँ पर अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए या फिर आप उनके दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी एडमिशन्स की हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी एडमिशन्स हैं इंडिया में उन सब की वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या आप स्पेशल सीटेट टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का सभी धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।